हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज वीडियो में बात करने वाले, यदि आपने NVSP की वेबसाइट से न्यू वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया है, यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो वोटर कार्ड कब तक आपके होम एड्रेस पर डिलीवर होने वाला है, तो आप किस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने ब्राउजर के अंदर आपको टाइप करना होगा NVSP, फिर आपको सर्च करना होगा, फिर आपको फिर वेबसाइट मिल जाती है www.nvsp.in। तो इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपके पास जो फोरन नंबर होता है, जो रेफरेंस नंबर होता है, वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप जिस यूजर पासवर्ड से आपने ये फॉर्म फिलअप किया है, वो उस यूजर पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि हम लॉगिन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर अपना यूजर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, कैप्चा डाल दिया, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस पर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अभी आपको यहाँ पर डैशबोर्ड वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा फोरन नंबर जानने के लिए। फिर यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो आपने जिस तारीख को आपने ये फॉर्म फिलअप किया, उस तारीख को चेक करना है कि उस तारीख के आसपास कौन कौन सा रेफरेंस नंबर आ रहा है। तो जैसे कि हमें चेक करना है ये वाला रेफरेंस नंबर का स्टेटस, तो इस रेफरेंस नंबर को हम कॉपी यहाँ से कर लेते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी कर लेते हैं, होम पेज पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है इधर, यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका स्टेट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर रेफरेंस आईडी यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर ट्रैक स्टेटस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपने इस तारीख को अपने फॉर्म को सबमिट किया था, इतनी तारीख को भी उन्होंने उसको वेरीफाई किया था, और उसको वेरीफाई करके उस आगे की तरफ प्रोसीड कर दिया होगा। फिर आगे जाकर फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा। फिर यहाँ पर जो ईपिक नंबर है वो जनरेट हो गया होगा। फिर कुछ दिन बाद में जो आपका ईपिक कार्ड है प्रिंट करके आपका जो पार्सल है रेडी करके आपके होम एड्रेस पे भेज दिया गया होगा। फिर होम एड्रेस पे जब भेजा जाता है पार्सल, तो एक ट्रैकिंग नंबर अलॉटमेंट होता है आपके ईपी कार्ड पर। तो जो ईपी कार्ड पर जो अलॉटमेंट हुआ है ट्रैकिंग नंबर एंड पार्सल को ट्रैक करने के लिए, जो ट्रैकिंग नंबर होता है कंसाइनमेंट नंबर, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस कंसाइनमेंट नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर पार्सल को ट्रैक करने के लिए। तो हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, वो यहाँ पर आ जाती है। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना होगा पार्सल ट्रैक करने के लिए, और यहाँ पर आपका जो भी ट्रैकिंग नंबर आपको डिस्प्ले हुआ था वहाँ पर स्टेटस के अंदर वो उस ट्रैकिंग नंबर को कॉपी करके यहाँ पर डाल देना होगा। यहाँ पर ट्रैक नाउ बटन पर क्लिक कर देना होगा, और इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं गूगल के अंदर parsaltrack.in, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो जिससे कि यहाँ पर पार्सल ट्रैक हो चुका है, तरह पर स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इतनी तारीख को यह पार्सल है बुक किया गया था, और इतनी तारीख को पार्सल है रिसीव किया गया था। यहाँ पर फिर ये जो आता है यहाँ पर आपका जो भी जिला होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, वहाँ पर जो हेड ऑफिस होगा वहाँ पर आ जाएगा पोस्ट ऑफिस में। फिर पोस्ट ऑफ वहाँ हेड ऑफिस से फिर जो भी आपका ब्रांच होगा, जैसे कि आपका जो भी नियर का ब्रांच होगा, आपका लोकल वाला ब्रांच पोस्ट ऑफिस, तो उसके अंदर भेजा जाता है। तो इसमें आने में 2-3 दिन का वक्त लग गया था, यानी पार्सल बुक करने से कस्टमर को मिलने में यहाँ पर 2-3 दिन में पार्सल मिल गया था, यानी पार्सल तुरंत इसको मिल गया था 2-3 दिन के अंदर। काफ़ी बार क्या होता है कि पार्सल आने में बहुत तो टाइम लग जाता है, बट इस पर पार्सल बुक करते ही 2-3 दिन के अंदर ही मिल गया था। तो यहाँ जैसे कि यहाँ पर तारीख भी देख सकते हैं, यहाँ पर 10 अक्टूबर को यहाँ पर पार्सल को बुक किया गया था, और 11 अक्टूबर को यह पार्सल कस्टमर को मिल गया था, ठीक है, यहाँ पर ईपिक कार्ड का। यदि आप यहाँ पर इस रेफरेंस नंबर के थ्रू स्टेटस चेक करते हैं, और आपको यहाँ पर जो ईपिक यहाँ पर जो ट्रैकिंग नंबर है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है, तो आप इस प्रकार पार्सल को ट्रैक कर सकते हो, चेक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। यदि आपको यहाँ पर ईपिक डिलीवर्ड और यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर है वो डिस्प्ले नहीं होता है, तो आपको वेट करना होगा, या फिर आपको यहाँ पर वोटर कार्ड जो रिप्लेसमेंट का जो ऑप्शन होता है वहाँ से आपको जो वोटर कार्ड है उसको रिप्रिंट के लिए ऑर्डर कर देना होगा, या फिर आप ईपिक नंबर के थ्रू वोटर कार्ड का PDF डाउनलोड करके उसको PVC पर निकलवा कर यूज ले सकते हैं। तो इस प्रकार अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट